शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सौदा, कल ठीक 3 बजे रामटेक क्वेरीज के पीछे होगा। सुल्तान, थोड़े दिनों के लिए डील आगे कर दो। पुलिस बहुत चौकन्नी हो चुकी है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर प्रधान पुलिस डिपार्टमेंट में पहला अफसर है जो इतना ईमानदार है। जितनी वफादारी से हम अपना धंधा करते हैं, उतनी ही ईमानदारी से वो अपनी ड्यूटी निभाता है। बादशाह, उसकी फिक्र तुम मत करो। मैंने उस पुलिस इन्फॉर्मर को मरवा दिया है। अब हमारे कारनामों की खबर उस तक कभी नहीं पहुंचेगी।
अच्छा, यू आर अंडर अरेस्ट। बादशाह, तू उसे जिंदगी देना चाहता था जो खुद तेरी जिंदगी लेना चाहता है। चल चल। जब तक मैं मदद ढूंढने की कोशिश करता हूं। ऊपर वाला भी बहरा हो गया है। आप कौन हैं? उठिए। मैं इसका दोस्त अब्दुल हूँ। मैं अपने जख्मी दोस्त के लिए मददगार ढूंढने गया। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा घर नजदीक ही है। अब उठाइए नहीं। चलिए। बादशाह। सुनिए, हमें फौरन इन्हें किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाना चाहिए। नहीं, बाहर किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि इस घर में कोई आदमी जख्मी पड़ा है। पर इस भले आदमी की किससे दुश्मनी हो सकती है? भले आदमी को दुश्मन नहीं ढूंढने पड़ते, आजकल दुश्मनों ने खुद ढूंढ लेते हैं। आप इसकी बाह पकड़िए सुर से। सारा दिन सपने ही देखती रहेगी क्या? है? चल काम पर चलने की तैयारी कर। ये पंछी कौन है? कब और कहां से फंसा कर लाई? अरे आपका ये भी धंधा चालू कर दिया तूने? मामा तुम चुप रहो, ये सिर्फ मेरी जुबान समझता है। भूत है, लात की सुनेगा, बात की नहीं। कौन है ये? एक बीमार। यार को बीमार कह रही है? मुझे गोली दे रही है या इसे? इसे गोली नहीं, चोट लगी। बेटी ये सेवा धर्म करना तो बड़े लोगों का काम है, हम नाचने गाने वालों का नहीं।
अगर तू सड़क पे नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या घर में? मेरी भूख की फिक्र है तुझे कि अपने दारू की तलब ही उगलवा रही? सपना, मैं सिर्फ दारू ही तो पीता हूँ, अरे तेरी दलाली तो नहीं करता। अरे जिस दिन तू मुझसे धंधा करवाता उसी दिन तेरी गर्दन काट कर चौराहे पटा देती। चल चल बाहर निकल, निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त, चल निकल जा। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। धंधा करवाएगा, मेरे घर को कोठा बनाएगा, खबरदार तू फिर से यहाँ नजर आए तो। मामा तुम परेशान मत हो, ये हमारा रोज का किस्सा है, क्या करूं सब सहना पड़ता है। बिन माँ बाप की एक लड़की का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। भले मेरा मामा शराबी है लेकिन दुनिया वालों के लिए इतना धोखा काफी है कि मेरे सर पर किसी बड़े का हाथ है।